वे लोग धरती को अंबर के साथ जोड़ेंगे, वे लोग धरती को अंबर के साथ जोड़ेंगे, नदी का नाम समंदर के साथ जोड़ेंगे। सौ बात की एक बात कही जहीर ने, वे अपनी करनी पे लज्जित कभी नहीं होंगे, वो अपनी हार मुकद्दर के साथ जोड़ेंगे। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे, रात का वक्त फिर होगा सौ बात की एक बात का। नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। समंदर में भारत की बढ़ती ताकत को देखकर चीन की नींद उड़ चुकी है। भारतीय नौसेना में एक और महाविनाशक हथियार के शामिल होने के बाद चीन की परेशानी और बढ़ गई है। दरअसल गुरुवार को भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पिन क्लास की 5वीं सबमरीन आईएनएस वागीर शामिल की गई। आईएनएस वागीर एक स्टेल्थ पनडुब्बी है जो कई तरह के अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। समंदर के अंदर के इस बाहुबली को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। यही वजह है कि अब चीन भी समंदर में भारत की शक्ति को देखकर डरने लगा है। समंदर में दिखी भारत की ताकत, आईएनएस प्रबल के पराक्रम से कांपा चीन। वागीर सबमरीन के दम से दहला चीन। समंदर में भारत के महाविनाशक हथियार, ये तस्वीरें चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद चीन और पाकिस्तान की परेशानी बढ़ने वाली है। ये भारत की समंदरी सरहदों की हिफाजत के लिए भारतीय नौसेना का एक और महाविनाशक हथियार है। समंदर के इस बाहुबली का नाम है वागीर। यानी अरब सागर की एक शिकारी मछली। और वागीर अपने नाम से ही दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों को नेस्तनाबूद कर देने की खूबियों से लैस है। भारतीय नौसेना में वागीर सबमरीन के शामिल होने के बाद यकीनन समंदर में भारत की ताकत में इजाफा हुआ है। आईएनएस वागीर के भारतीय नौसेना में शामिल होने और इसकी ताकत देखने के बाद यकीनन चीन और पाकिस्तान दोनों दहलने वाले हैं। MDL's recent deliveries are the 3 ships of Project 15 Alpha, that is a destroyer INS Kolkata delivered in 2014, Kochi in 15, Chennai in 2016, and 2 Scorpene submarines, Kalveri in 2017 and Khanderi in 2019, which constitute the sharpest combat edge of the Indian Navy. दरअसल भारतीय नौसेना लगातार समंदर में अपनी ताकत को बढ़ा रही है और इसी कड़ी में P-75 प्रोजेक्ट में शामिल 6 पनडुब्बियों में से 5वीं पनडुब्बी वागीर लॉन्च की गई। P-75 प्रोजेक्ट के तहत साल 2015 में मुंबई के मझगांव डॉक लिमिटेड को भारतीय नौसेना के लिए स्कॉर्पिन क्लास की 6 स्टेल्थ पनडुब्बियों को बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी और वागीर भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं सबमरीन है। वागीर कई खूबियों से लैस है जो अरब सागर में भारत की ताकत को नई बुलंदियों तक पहुंचा देगी। वागीर कलावरी क्लास की पनडुब्बी है। यह 67 मीटर लंबी और 12 मीटर चौड़ी है। वागीर में 4 डीजल इंजन लगे हैं। इंजन फेल होने की सूरत में ये 360 बैटरी सेल पर चल सकती है। पानी की सतह पर यह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। पानी के अंदर वागीर की रफ्तार 37 किलोमीटर प्रति घंटा है। वागीर 50 दिन तक पानी के अंदर रह सकती है।
वागीर एक बार में 12,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। पानी के अंदर ये एक बार में 1,037 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। वागीर में नौसेना के 45 अफसर और जवानों के रहने की सुविधा है। वागीर पानी के अंदर 350 मीटर यानी 1,000 फीट की गहराई तक जा सकती है। वागीर एंटी रडार तकनीक से लैस है, इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। वागीर एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, माइन बिछाने और एरिया सर्विलांस से भी लैस है। भारतीय नौसेना लगातार अपनी समंदर में ताकत बढ़ा रही है। यही वजह है कि P-75 यानी कि प्रोजेक्ट 75 के तहत मझगांव डॉक को 6 सबमरीन बनाने का एक प्रोजेक्ट दिया गया था, जिनमें से 4 सबमरीन पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। 4 में से 2 सबमरीन INS खंडेरी और INS कलावरी पहले से ही भारतीय नौसेना में शामिल हो चुके हैं। इसी प्रोजेक्ट के तहत आज 5वीं सबमरीन पहली बार पानी में उतारी गई है और इस सबमरीन का नाम वगीर रखा गया है। इस समय हम खुद मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के बाहर हैं और इसी जगह पर सब सबमरीन को बनाया जा रहा है। भारतीय नौसेना के P-75 प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली वागीर 5वीं पनडुब्बी है। वागीर से पहले INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज और INS वेला भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी हैं। INS वागीर को पूरी तरह से भारत में बनाया गया है। इस पर लगने वाली सिर्फ कुछ मशीनें ही विदेश से मंगाई गई हैं। P-75 प्रोजेक्ट की आखिरी सबमरीन INS वाक्शीर भी जल्द ही भारतीय नौसेना में शामिल कर ली जाएगी। यानी प्रोजेक्ट P-75 के पूरा होते ही समंदर में भारतीय नौसेना की ताकत में पहले की तुलना में कई गुना इजाफा होने वाला है। इस कड़ी में आखिरी और छठी सबमरीन तुरंत ही भारतीय नौसेना में शामिल होगी। इस तरह मेजगन डॉक लिमिटेड में बनी हुई ये 6 प्रोजेक्ट 75 के तहत सबमरीन्स भारतीय नौसेना में मिल जाएंगी, जिससे भारतीय नौसेना की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ेगी। सिर्फ INS वागीर ही नहीं बल्कि समंदर में भारत के एक और महाविनाशक से चीन और पाकिस्तान परेशान है। समंदर की लहरों पर दौड़ता ये भारतीय नौसेना का जंगी जहाज INS प्रबल है और जिस दिन से चीन ने INS प्रबल का पराक्रम देखा उसके होश उड़े हुए हैं। दरअसल अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने INS प्रबल से अपनी अत्याधुनिक एंटी शिप मिसाइल KH-35 उरण का सफल प्रक्षेपण किया। भारतीय नौसेना ने इस टेस्ट का एक वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उरण मिसाइल को INS प्रबल से दागने के बाद वो दूर समंदर में खड़े अपने टारगेट यानी एक डमी जहाज को सफलतापूर्वक उड़ा देती है। इसके अलावा INS प्रबल में और भी बहुत सी खूबियां हैं। INS प्रबल गोदावरी क्लास की युद्धपोत है। INS प्रबल को भारतीय नौसेना का बाहुबली कहा जाता है। INS प्रबल समंदर में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। INS प्रबल को समंदरी सरहदों और युद्ध दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। INS प्रबल को पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है। INS प्रबल रूस और पश्चिमी वेपन सिस्टम से भी लैस है। INS प्रबल अत्याधुनिक सबसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल KH-35 उरन से भी लैस है। KH-35 उरन को रूसी तकनीक से विकसित किया गया है। KH-35 उरन 130 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है। भारत दिन ब दिन नए से नए आधुनिक से आधुनिक हथियार वायुसेना नौसेना और थल सेना में इंट्रोड्यूस कर रहा है। भारतीय सेनाएं ताकतवर तो है ही, वो ये कैपेबिलिटी भी हासिल कर रही हैं कि वो चीन और पाकिस्तान दोनों का मिलकर सामना कर सके। भारत की बढ़ती ताकत की तस्वीरें देखकर चीन और पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि भारत ने महज चंद दिनों के अंदर एक नहीं बल्कि दर्जनों हथियार और मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है, जिनमें सतह से सतह मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम रुद्रम का सफल परीक्षण किया है। तो वहीं भारत की पहली हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम शौर्य का भी भारत ने सफल परीक्षण किया है। अब समंदर में भारत की बढ़ती ताकत की इन तस्वीरों को देखकर चीन को भारत की ताकत का एहसास हो गया है।
समंदर में भारत की बढ़ती ताकत से परेशान और उसकी परेशानी का सबूत बनी है ये तस्वीर। दरअसल चीन ने भारत की ताकत देखने के बाद अब अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के जरिए एक वीडियो रिलीज किया। इस वीडियो में चीन ने भी समंदर में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। ये चीन की नौसेना की एक एंटी सबमरीन और समंदर में किए गए युद्धाभ्यास की तस्वीरें हैं। चीन के इस वीडियो को रिलीज करने का मकसद भारत को ये जताना है कि वो भी समंदर में उसके साथ जंग के लिए तैयार है। कुछ दिन पहले ही चीन ने भारत को धमकी दी थी कि अगर उसने ताइवान से दोस्ती बढ़ाई तो चीन हिंद महासागर में भारत को घेर सकता है। लेकिन भारत ने जिस अंदाज में चीन की धमकी का जवाब दिया उसे देखने के बाद चीन के होश उड़े हुए हैं। कुछ ही दिनों में भारत ने प्रबल प्रहार कर जिस तरह चीन को अपनी ताकत का एहसास कराया, यकीनन चीन को यह अंदाजा हो गया कि भारत जमीन आसमान और समंदर में उसे आसानी से घेर सकता है और उसकी बुनी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अरब सागर में होने वाले समुद्र मंथन की वजह से चीन परेशान है। चीन जानता है कि क्वाड समूह के ये चारों देश एक साथ मिलकर समंदर में उसकी विस्तारवादी नीतियों पर अंकुश लगाने की तैयारी पूरी कर चुके हैं। दूसरा, चीन इस दौरान चारों देशों के बीच अरब सागर में शुरू होने वाली मालाबार 2020 नेवल एक्सरसाइज के दूसरे चरण से भी घबराया हुआ है। समंदर में खत्म होगी चीन की दादागिरी। चीन पर नकेल कसने को तैयार क्वाड। ऑपरेशन क्वाड से दहला चीन। समंद्र मंथन से सहमा चीन। चीन समंदर में भारत की ताकत देखकर पहले से ही परेशान है, लेकिन अब उसकी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। समंदर में क्वाड समूह के चारों देशों यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की ताकत देखकर चीन सहम गया है। चीन को अब यह एहसास हो गया है कि समंदर में उसकी दादागिरी ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली, क्योंकि क्वाड ने उसके चारों तरफ एक ऐसी अभेद दीवार खड़ी कर दी है जिसमें घिर कर चीन बेबस हो जाएगा। दरअसल 3 नवंबर से 6 नवंबर तक हुए मालाबार 2020 युद्धाभ्यास में क्वाड देशों का शक्ति प्रदर्शन देखकर चीन की नींद उड़ चुकी है, लेकिन अब उसे जल्द ही एक और झटका लगने वाला है। क्वाड देशों यानी के भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का पहला युद्ध अभ्यास मालाबार 20 बंगाल की खाड़ी में पूरा हो चुका है। अब इसी क्रम में दूसरा युद्ध अभ्यास अरब सागर में होना है। इसके पीछे मकसद साफ है कि चीन को ये संदेश दिया जाए कि अब समंदर में उसकी दादागिरी नहीं चलने वाली। चाइना को दिख रहा है कि जिस तरीके से क्वाड अपने आप में एक काउंटर चाइना के तौर पर आ रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ये वो चार कंट्रीज़ हैं जिनकी वर्ल्ड में इज्जत करी जा रही है, बात सुनी जा रही है। इकोनॉमिकली चारों कंट्रीज स्ट्रॉन्ग हैं, मिलिट्रियली चारों कंट्रीज स्ट्रॉन्ग हैं, तो ये अपने आप में चाइना के ऊपर एक अंकुश लगाएगा, ऐसा चाइना को लगता है। और इस खौफ में वो इन चारों ही कंट्री और स्पेशली क्वाड को अपना एक दुश्मन के तौर पर ले रहा है। बंगाल की खाड़ी में 3 से 6 नवंबर तक भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने मालाबार नौसैन्य अभ्यास के 24वें संस्करण में हिस्सा लिया था। चार दिन में क्वाड समूह के चारों देशों की नौसेनाओं ने समुद्री युद्धाभ्यास के साथ ही जहाजों ने समुद्र में ईंधन भरने का अभ्यास किया था। इस अभ्यास में लाइव हथियार फायरिंग, सतह वायुरोधी और पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास, संयुक्त युद्धाभ्यास और सामरिक रणनीतियों को देखा गया था। इस युद्धाभ्यास में समंदर में एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस
और क्रॉस डेक लैंडिंग एक्सरसाइज भी की गई थी। इस नेवल एक्सरसाइज में भारतीय नौसेना के INS रणविजय, INS शिवालिक, INS सुकन्या, INS शक्ति और INS सिंधुराज शामिल हुए थे। मालाबार युद्धाभ्यास के पहले ही दिन जब चारों देशों की नौसेनाओं के हथियार गर्जे थे तो चीन के होश उड़ गए थे। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा था कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड संगठन बनाया है। इसका मकसद चीन के खिलाफ सैन्य गठजोड़ है, यानी अब चीन भी जानता है कि समंदर में उसकी दादागिरी के दिन खत्म होने वाले हैं। चारों ही कंट्रीज वर्ल्ड में रिस्पेक्टेड कंट्रीज हैं, इज्जत करी जाती है इन कंट्रीज की, इन कंट्रीज का बोलबाला है, इनके पास जो सैन्य ताकत है वो अपने आप में अद्भुत है। और जब चार ऐसे देश मिल जाएं जिनकी सैन्य ताकत, जिनकी इकॉनमी, सब कुछ मिल रहा हो और एक अपने आप में चैलेंज पैदा करता है चाइना जैसे कंट्रीज के लिए जो कि अपने विस्तारवाद से बाज नहीं आ रहे, इस वजह से चाइना को डर है कि क्वाड का इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जाएगा, उसका असर चाइना के ऊपर डायरेक्ट पड़ेगा। मालाबार में हुए क्वाड समूह के देशों के युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया ने 13 साल बाद हिस्सा लिया था। ऑस्ट्रेलिया के मालाबार एक्सरसाइज में शामिल होने पर चीन इस कदर भड़क उठा कि उसने ऑस्ट्रेलिया को गंभीर आर्थिक नुकसान उठाने की धमकी तक दे डाली थी। दरअसल कोरोना वायरस को दुनिया में फैलाने के मुद्दे पर चीन और ऑस्ट्रेलिया के संबंध पहले से ही खराब हो चुके हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के मालाबार 2020 में शामिल होने से चीन उस पर और भी भड़क गया। मालाबार नौसैनिक अभ्यास को लेकर चीन का मानना है कि इस बहाने उसके खिलाफ सैन्य लामबंदी की जा रही है। अरब सागर में होने वाले मालाबार 2020 के दूसरे चरण में भारतीय नौसेना के ध्वजवाहक विक्रमादित्य, अमेरिकी सुपरवाहक निमित्स के अलावा ऑस्ट्रेलियाई और जापानी नौसैनिकों के दो विध्वंसक अभ्यास में हिस्सा लेंगे। INS विक्रमादित्य पर MiG-29 और USS निमित्स पर F-18 लड़ाकू विमान भी इस युद्ध अभ्यास का हिस्सा बनेंगे। क्वाड देशों के पहले युद्धाभ्यास में जिन हथियारों का प्रदर्शन हुआ उसने चीन की नींद पहले ही उड़ा दी है। अब जब इन देशों का दूसरा युद्धाभ्यास अरब सागर में होगा तो उसके बाद जैसे चीन की बोलती ही बंद होने वाली है। मालाबार नौसेना अभ्यास पहली बार 1992 में भारत और अमेरिका के बीच हुए एक द्विपक्षीय करार के बाद दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच एक नेवल ड्रिल के तौर पर शुरू हुआ था। 2015 में जापान इस नौसैनिक अभ्यास में शामिल हुआ और 2020 में क्वाड समूह बनने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार इस संयुक्त समुद्री अभ्यास में हिस्सा लिया। इससे पहले ये युद्धाभ्यास कभी अमेरिकी समंदरों में तो कभी जापान तो कभी भारत के समंदर में हुए। मालाबार युद्धाभ्यास के नाम से जानी जाने वाली ये ड्रिल 2018 में अमेरिकी मिलिट्री बेस गुआम में हुई थी। अब एक बार फिर 17 से 20 नवंबर तक अरब सागर में होने वाले मालाबार 2020 युद्धाभ्यास के दूसरे चरण में जब चारों देशों के फाइटर जेट, आधुनिक हेलीकॉप्टर, गाइडेड मिसाइलें, मिसाइल डिस्ट्रॉयर, सबमरीन, एंटी सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे तमाम विनाशक एक साथ नजर आएंगे तो चीन का कलेजा कांप उठेगा। समंदर में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के हथियार जब एक साथ गर्जेंगे तो यकीनन ड्रैगन की नींद उड़ना लाजमी है। चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। ऐसे हालात में क्वाड समूह के देशों के बीच होने वाली नेवल एक्सरसाइज का सीधा सा मतलब है कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक साथ मिलकर समंदर में चीन की विस्तारवादी नीति पर अंकुश लगाने के लिए तैयार हैं और चारों देशों के बीच हो रहे समुद्र मंथन की वजह से चीन परेशान है।